Hello, good morning to all of you. Welcome to Aslam Classes and thank you very much for watching my videos. Now just we are going to start next newspaper session. Dekhiye bhai, it may be very helpful for those who really want to crack competitive examination as well as learn English. उससे आप अपने पास में एक पेन और एक कॉपी रखें, जो मैं लिख पाऊँ आपके लिए कॉन्सेप्ट उनको उतारने की कोशिश करें, क्योंकि क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो आपके सामने आपके लिए हो सकती है. आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ज़रूर से पेन कॉपी रख लिया करें, ठीक है ना. अब शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखिए भाई, एक बात और समझ लीजिए, मैं जितने भी मीनिंग्स लिख पाऊँ आपके लिए, मैं कुछ मीनिंग्स लिख पाऊँगा आपके लिए, उनके सिमिलर वर्ड मैं ज़रूर लिख पाऊँगा. आप क्या करें, सिमिलर वर्ड्स को ज़रूर लिखा करें, क्योंकि जितना आप सिमिलर वर्ड्स लिखेंगे उतना ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और उतना ही अच्छा आप न्यूज़पेपर पढ़ना सीख पाएंगे. तो देखिए भाई, हम शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. तो देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं. क्या लिखा है यहाँ पर, पहले लिखा है कि बॉय 16 किल्ड इन फायरिंग एट बेडिंग, फैमिली अलीज मर्डर प्रूव ऑन. क्या लिखा है, बॉय मतलब लड़का, 16 का मतलब 16 साल का, कोई लड़का है 16 साल का किल्ड, उसको मार दिया गया. किल्ड का मतलब क्या होता है, जान से मार देना. याद रखना यहाँ पर बी थर्ड है, ये पैसिव वॉइस की तरह यूज़ किया गया है. आपको हेडिंग पर इतना फोकस नहीं करना है, आपको ग्रामर हेडिंग में नहीं देखनी है, आपको कहीं जाके जो अंदर डिटेल है ना उसमें क्या देखना है, ग्रामर को आपको देखना है. तो क्या लिखा है, बॉय 16 किल्ड, 16 साल के लड़के को जान से मार दिया गया इन फायरिंग, ठीक है ना. किस में, फायरिंग में, गोलीबारी में. देखिए याद रखें यहाँ पर क्या है, इन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में अगर वर्ब मिलती है तो उसमें हमेशा क्या मिलेगा आपको, आईएनजी मिलेगा. ये भी याद रखें, अगर कहीं आपको प्रीपोजिशन मिलती है तो उसके बाद में उसके अगर वर्ब दे रखी है तो उसमें हमेशा आईएनजी मिलेगी, ठीक है. तो क्या हुआ, एट वेडिंग, किस में, शादी में, एक लड़के को गोलीबारी में शादी में मार दिया गया. फैमिली अलीज, फैमिली का मतलब परिवार है, अलीज का मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए अलीज का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है ना. जो परिवार है ना वो आरोप लगा रहा है किस चीज़ का, मर्डर का. मर्डर का मतलब क्या हो गया, किलिंग से ले लीजिए, मतलब मर्डर का आरोप लगा रहा है, ठीक है. प्रोब, प्रोब का मतलब, प्रोब ऑन, प्रोब का मतलब क्या है, प्रोब का मतलब इन्वेस्टिगेशन है, प्रोब का मतलब एग्जामिनिंग है, प्रूफ का मतलब यहाँ पर चेकिंग भी कह सकते हैं, ठीक है. प्रूफ का मतलब जांच से कह सकते हैं. तो प्रूफ जो है यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच पड़ताल है. ऑन का मतलब क्या है, एक होता है ऑफ, एक होता है ऑन. अगर ऑफ कर दो तो बंद कर दिया, ऑन का मतलब यानी कि जारी कर दिया. तो यहाँ पर क्या मतलब हो गया, जो जाँच पड़ताल है वो क्या है, जारी है. देखिए पहली बात तो एक बात याद रखना आप लोग, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं. पहली चीज़ यही है कि यहाँ पर ये लिखा है अलीज, आप इसको याद रख लें. अलीज का मतलब जो होता है वो होता है आरोप लगाना. क्या होता है, आरोप लगाना, ठीक है ना. अलीज का मतलब आरोप लगाना होता है. अच्छा, अलीज किसके बराबर रख सकते हैं तो वो भी देख लीजिए. अलीज को आप रख सकते हैं क्लेम के बराबर, ठीक है ना. क्लेम कह सकते हैं, वही मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, ठीक है ना. इसका मतलब आप एवर कह सकते हैं, एवर, एवर के बराबर कह सकते हैं. इसका मतलब भी क्या होता है, आरोप लगाना होता है. तो ये सारे वर्ड्स हैं, आप ज़रूर से इनको लिखा करें, ठीक है ना. आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये वर्ड, हेल्पफुल होने वाले हैं, तो ज़रूर ज़रूर इनको याद रखा करें, ठीक है ना. तो ये मतलब हो गया इसका. अब देखिए आगे क्या लिखा है, मर्डर, मर्डर का मतलब क्या है यहाँ पर, मर्डर से ले लीजिए आप, किलिंग के बराबर रख सकते हैं इसको, किलिंग, किलिंग कह सकते हैं. किलिंग का मतलब भी क्या होता है, जान से मारना होता है, ठीक है. तो इसके बराबर आप इसको रख सकते हैं. प्रोब, एक बड़े यहाँ पर प्रोब है, तो प्रूफ को आप क्या कह सकते हैं, प्रूफ को आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, ठीक है. प्रूफ को आप चेकिंग कह सकते हैं, प्रूफ को आप एग्जामिनेशन कह सकते हैं, एग्जामिनेशन कह सकते हैं, ठीक है ना. परीक्षाएं, ये सारी क्या होता है, ये प्रूफ के बराबर आप रख सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे वर्ड. तो इसको भी ज़रूर से याद रखें आप लोग, आप लोग ज़रूर इन वर्ड्स को याद रखें. अगर एक वर्ड सीखा है तो उसके सारे वर्ड सीखने की कोशिश करें, ठीक है ना, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा. चलो अब पढ़ते हैं अंदर क्या है इसके. तो देखिए भाई, ए 16 ईयर ओल्ड बॉय वॉज किल्ड वैन ही वॉज हिट बाय अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ रिलेटिव्स गन ड्यूरिंग अ बेडिंग फंक्शन इन आगराज खानद्वारी एरिया ऑन थर्सडे मॉर्निंग. ठीक है, पहले इतना ही देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, फुल स्टॉप है. तो क्या लिखा है, ए, ए का मतलब एक, 16 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है ना, कितना, 16 साल का लड़का, वॉज किल्ड, उसको जान से मार दिया गया. देखिए वॉज के साथ में क्या दिखाई दिया आपको, बी थर्ड, बॉस के साथ में आपको बी थर्ड दिखाई दिया. जैसे ही आपने बॉस के साथ में बी थर्ड देखा, आप समझ जाएंगे ये क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है. वॉज वर्ग के साथ में बी थर्ड का कहलाना, ये पैसिव वॉइस कहलाता है, ठीक है. उसको जान से मार दिया गया. वैन मतलब जब, वैन का मतलब यहाँ पर कब है, जब है. देखिए अगर वैन के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, अगर वैन के बाद में हेल्पिंग वर्ब है
तो वो क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा। अगर वैन के बाद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद में सब्जेक्ट है, तो वो कंजंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये कंजंक्शन है, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो इसका मतलब कब नहीं है बल्कि जब निकल के आएगा। तो वैन ही वॉज हिट, जब उसको हिट किया गया। हिट का मतलब क्या है, हिट का मतलब यहाँ पर शूट करने से है, हिट का मतलब यहाँ पर गोली मारने से है। वैन ही वॉज हिट, जब उसको शूट किया गया। देखिए पैसिव वॉइस है इसी वजह से, देखिए वॉज के साथ में क्या मिला, हिट, थर्ड फॉर्म मिली हिट, हिट की हिट 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 तीनों हिट होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस होने की वजह से यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो वैन ही वॉज हिट, जब उसको मार दिया गया, बल्कि काम नहीं कर रहा है बल्कि इस पर काम हो रहा है, जब उसको शूट किया गया, गोली मारी गई, बाय अ बुलेट फायर्ड। बुलेट का मतलब क्या हो गया, वही गोली से हो गया, फायर का मतलब वही मारने से होता है। फ्रॉम अ रिलेटिव्स गन, किससे मारा गया, किससे, एक कोई रिश्तेदार हैं उनकी गन से मारा गया। देखिए ये है, इसके बाद में एस लगा है, एस क्या है यहाँ पर, एपोस्ट्रॉफी एस है, ठीक है ना, इसे क्या पढ़ते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कोई रिश्तेदार है उनकी गन से मारा गया। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, अब वेडिंग फंक्शन का मतलब, वेडिंग का मतलब शादी होता है, फंक्शन का मतलब समारोह, तो शादी समारोह के दौरान उसको मारा गया। इन आगरा खानदौली एरिया, कहाँ मारा गया है, आगरा के कोई खानदौली एरिया है उसमें मारा गया है, ठीक है। ऑन थर्सडे मॉर्निंग, बात समझ लीजिए, अगर यहाँ पर थर्सडे ना होता, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मॉर्निंग होता, तो यहाँ पर इन लगाते, ठीक है ना, या दिन के, ये यहाँ पर नेम है, किसका नेम है, डे का नेम है, इसी वजह से यहाँ पर ऑन लगाया गया, ठीक है ना, याद रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर ये थर्सडे ना होता, सिर्फ मॉर्निंग होता, तो यहाँ पर हम क्या लगाते, इन लगाते, ठीक है। अब कुछ चीज़ सीख लेते हैं, वो समझ लीजिए यहाँ से, देखिए अगर ऐसे कहना है हमारे को, देखिए अगर हमने ऐसे कहा 16 ईयर, क्या कहा, ए 16 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है, हमने ऐसा बोला, तो ये सही है। अगर हम इसको ऐसा कह दें, अ 16 ईयर्स ओल्ड बॉय, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, याद रखें यहाँ पर 16 लिखा है ना, 16 ईयर्स, यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर ए से मतलब एयर का है, ठीक है ना, 16 के बाद में आपको एस नहीं लगाना होता है, यहाँ पर याद रखना। तो यहाँ पर ये एस लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए गलत हो गया, हमने कह दिया ए 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल। तो अगर आप ऐसा कहते तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि हमें कितने भी, चाहे 16 हो, 15 हो, 17 हो, कुछ भी हो, ठीक है, नंबर कोई भी पड़ा हो, अगर ए लगा है तो यहाँ पर एस लगाने की जरूरत आपको नहीं होती है, ठीक है, याद रखें ये चीज़, ठीक है। एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए हिट, हिट जो होता है, हिट, हिट की फर्स्ट फॉर्म भी हिट होती है, सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, हिट ही होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हिट होती है। तो आप याद भी, ये भी याद रखें, क्योंकि इसमें हिट का यूज़ किया गया है, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, इसको ज़रूर लिखा करें आप लोग। आप एक बात याद रखें, कॉन्सेप्ट समझ लें यहाँ पर, ऑन लगाते हैं कब, ठीक है ना, आप ये भी याद रखें कि दिनों के नामों से पहले क्या लगाते हैं, हम दिनों के नाम से पहले हम ऑन लगाते हैं, जैसे हमें कहना है ऑन संडे, ठीक है, हम कहते हैं ऑन मंडे, तो आपको ऐसे करके यूज करना है, ठीक है, इस तरीके से यूज करना है। तो देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ था, वहां पर लिखा हुआ था ऑन थर्सडे मॉर्निंग, ये लिखा था ना, थर्सडे मॉर्निंग लिखा था शायद, हाँ थर्सडे मॉर्निंग। यहां पर देखें क्या है, ऑन थर्सडे मॉर्निंग, तो देखिए यहां पर क्या है, ये देखिए थर्सडे मॉर्निंग यानी कि क्या हो गया भाई, बृहस्पतिवार की सुबह, सुबह की बात चल रही है, बृहस्पतिवार की सुबह की बात चल रही है, तो इसलिए यहां पर क्या लगाया, ऑन लगाया गया। फॉर एग्जाम्पल यहां पर थर्सडे ना होता तो सिर्फ सिर्फ मॉर्निंग होता, अगर यहां पर सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग होता तो आप ऑन का यूज नहीं करते बल्कि इनका यूज कर देते, क्लियर है इतनी बात, ये भी याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या मतलब हो गया कि यहां पर मतलब हो गया ऑन थर्सडे मॉर्निंग, ऑन थर्सडे मॉर्निंग का मतलब हो गया बृहस्पतिवार की सुबह में, सुबह की बात है ये। क्या लिखा है, आफ्टर द फैमिली क्लेम्ड द किलिंग वॉज इंटेंशनल, टू पर्संस वर बुक्ड फॉर मर्डर। आफ्टर का मतलब के बाद होता है, द फैमिली जो परिवार है क्लेम्ड, वो क्या कर रहा है, वो दावा कर रहा है, वो आरोप लगा रहा है, ठीक है, उसने आरोप लगाया, जो परिवार है ना उसने क्या किया, आरोप लगाया, ठीक है ना भाई। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, देखिए सब्जेक्ट के बाद में बी थर्ड का कहलाना, ये पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है, ठीक है ना। तो परिवार ने आरोप लगाया किस चीज का, द किलिंग, किसका, मर्डर का, जो मर्डर है ना, द किलिंग है। अच्छा
किलिंग से पहले द क्यों लगाया है, तो किलिंग से पहले द इसलिए लगाया क्योंकि मर्डर कौन सा हुआ है, किसका हुआ है, हमें पता लग चुका है किसका, 16 साल के लड़के का हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर द लगाया गया। तो क्या क्या मतलब हो गया, आफ्टर द फैमिली क्लेम्ड द किलिंग, जो परिवार ने क्या करा है, क्लेम किया है, मतलब दावा किया है, आरोप लगाया है, द किलिंग वॉज इंटेंशनल। किलिंग का मतलब यहाँ पर मर्डर है कि मर्डर जो हुआ है वो क्या है, इंटेंशनल है, जानबूझकर था, जो मर्डर जो था वो क्या था, जानबूझकर था, यानी कि इरादतन था, उसका इरादा पहले बनाया गया था, ठीक है, ऐसा कत्ल हुआ है। टू पर्सन्स वर बुक्ड फॉर मर्डर, दो व्यक्तियों को क्या कर लिया, बुक कर लिया गया फॉर मर्डर, मर्डर के लिए। देखिए यहाँ पर आपने देखा टू पर्सन, फिर देखा यहाँ पे वर, वर के साथ में क्या है, बी थर्ड, जैसे आपने देखा बॉस वर्ग के साथ में बी थर्ड हो, देखिए वॉस वर्ग के साथ क्या देखा आपने, बी थर्ड देखा, ठीक है ना, जैसे आपने देखा वॉस वर्ग के साथ बी थर्ड है, आप समझ जाएंगे क्या है, ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। तो देखिए टू पर्सन, दो व्यक्तियों को क्या किया गया, वर बुक्ड, उनको क्या गया, बुक का मतलब यहाँ पर आरोप लगाने से, ठीक है ना, यानी कि आरोपित किया गया, बुक का मतलब यहाँ पर बुक लिखने से नहीं है, यहाँ पर क्या है, आरोपित करने से है। तो दो व्यक्तियों को आरोपित किया गया है फॉर मर्डर, किसके लिए, कत्ल के लिए, दो व्यक्तियों को कत्ल के लिए आरोपित किया गया है। तो बुक का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आरोपित करने से हो गया। पुलिस आर एग्जामिनिंग द सीसीटीवी फुटेज रिकवर्ड फ्रॉम द स्पॉट टू सी द शूटिंग वॉज डिलीबरेट। क्या लिखा है, पुलिस आर एग्जामिनिंग, एग्जामिनिंग का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिंग कह दीजिए या प्रोबिंग कह दीजिए, ठीक है ना, आप कह सकते हैं चेकिंग, पुलिस क्या कर रही है, चेक कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, किसकी, द सीसीटीवी फुटेज की, ठीक है ना। रिकवर्ड, रिकवर्ड का मतलब जो प्राप्त हुई है, रिकवर्ड का मतलब क्या हुआ, जो प्राप्त हुई है फ्रॉम द स्पॉट, कहाँ से, मौके से, स्पॉट का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर घटना हुई उसे क्या बोलते हैं, घटना स्थल को बोलते हैं स्पॉट, ठीक है ना, स्पॉट से प्राप्त हुई है। टू सी, ठीक, सी का मतलब यहाँ पर है चेक करने से, जो उसे चेक करना है, ठीक है। इफ, इफ का मतलब की किया, की किया, इफ का मतलब होता है की किया। द शूटिंग वॉज डिलीबरेट, शूटिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, शूटिंग का मतलब है गोलीबाजी, जो गोलीबाजी हुई है वॉज डिलीबरेट, वो क्या जानबूझ के थी, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो शूटिंग थी क्या वो जानबूझकर थी। डिलीबरेट का मतलब क्या हो गया, जानबूझकर, आप डिलीबरेट को लगा सकते हैं, डिलीबरेट को आप इंटेंशनल के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ तक ये फिनिश हो गया। तो देखिए भाई यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आप ज़रूर से इनको लिख लिया करें। देखिए एक बात समझ लीजिए आप, वो ऑब्जेक्ट के साथ में अगर वॉस वर्ब मिलता है और वॉस वर्ब के साथ में अगर बी थर्ड मिलता है, आप याद रखें वॉस वर्ब के साथ में अगर आपको बी थर्ड मिलता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है, ठीक है, किसका, पास्ट इंडेफिनिट का, किसका पैसिव वॉइस कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कहलाता है, ठीक है ना। इस पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कैसे हम कह सकते हैं शी वॉज किल्ड, क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं शी वॉज किल्ड, उसको जान से मार दे, शी वॉज किल्ड। तो एक बात आप याद रखें, यहाँ पर वॉज के साथ में बी थर्ड है, ये पैसिव वॉइस क्लियर हो गया यहाँ से। अब एक बात समझ लीजिए, ये सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये ऑब्जेक्ट है, तो इस पर ये काम करेगा नहीं बल्कि इस पर काम होगा, यानी कि मार दिया गया, जान से मार दिया गया, किसको, उसको, ठीक है ना। एग्जाम्पल और दे सकते हैं, हम कह सकते हैं राहुल वॉज इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, ठीक है ना, क्या मतलब हो गया, राहुल वॉज इन्फॉर्म्ड, आपने देखा वॉज और वी थर्ड देखा, समझ जाएंगे क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। तो भाई इन्फॉर्म कर दिया गया, सूचित कर दिया गया, किसको, राहुल को, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना, ये पैसिव वॉइस कहलाएगा। अब एक बात और समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए किलिंग जो है ना, किलिंग उसको हम मर्डर के बराबर रख सकते हैं, किलिंग का मतलब भी जान से मारना, मर्डर का मतलब भी हत्या होती है, किलिंग का मतलब भी हत्या होती है। स्पॉट किसे कहते हैं, स्पॉट कहते हैं वेयर द इंसिडेंट हैपेंड, जहां पर घटना घटी हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, स्पॉट बोलते हैं। किसी का कत्ल कहीं पर, किसी को मारा गया है, तो ऑन द स्पॉट बोलते हैं ना, कि उस जगह पर, जिस जगह पर घटना घटी होती है उसे क्या बोलते हैं, स्पॉट कहते हैं, भी याद रखना है। अब देखिए सीसीटीवी क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी क्या होता है, क्लोज सर्किट टेलीविजन, सर्किट का मतलब होता है क्षेत्र, आप याद रखें, क्षेत्र ले लीजिए, घेरा ले लीजिए, घेरा, घेरे को बोलते हैं, ठीक है ना। क्लोज का मतलब बहुत करीबी, यानी कि करीब तरीके से देखना, तो ये क्या हो रहा था, ये कहलाता है। टीवी का मतलब टेलीविजन से लेते हैं, तो टेलीविजन लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। शूटिंग को बराबर रखते हैं फायरिंग के, ठीक है। इंटेंशनल का मतलब होता है डिलीबरेट, डिलीबरेट का मतलब क्या होता है, जानबूझकर, जानबूझकर कह सकते हैं, ठीक है ना, जानबूझकर, या हम कह सकते हैं इरादतन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। द विक्टिम वॉज आइडेंटिफाइड एज धर्मेंद्र सिंह द ग्रूम्स कजिन हु वॉज अ क्लास 10th स्टूडेंट हेलिंग फ्रॉम राजस्थान। तो देखिए भाई विक्टिम का मतलब पीड़ित, विक्टिम का मतलब क्या है, पीड़ित है, पीड़ित किसे कहते हैं, पीड़ित कहते हैं अ पर्सन हार्म्ड, एक अ पर्सन हार्म्ड इंजर्ड किल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्राइम और अदर इवेंट और एक्शन, किसी व्यक्ति का को मार देना, ठीक है ना, उसको नुकसान पहुंचाना, उसको घायल कर देना, उसको कत्ल कर देना, ठीक है, किसी क्राइम की वजह से, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम विक्टिम कहते हैं, ठीक है, उसको हम विक्टिम कहते हैं। तो भाई यहाँ पर लिखा है विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित,
विक्टिम का मतलब पीड़ित हो गया। अब देखिए दे क्यों लगा है, दे इसलिए लगा क्योंकि विक्टिम हमें पता है कौन है। विक्टिम कौन है? वो 16 साल का बच्चा, ठीक है, वो 16 साल का लड़का कौन है विक्टिम जिसका कत्ल कर दिया गया, तो इसी वजह से दे लगा है क्योंकि हमें विक्टिम पता है। तो द विक्टिम वॉज आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड का मतलब होता है, आइडेंटिफाइड का मतलब हो गया पहचान, पहचानना, ठीक है ना। तो विक्टिम की जो पहचान हुई है, देखिए पैसिव वॉइस है, बॉस के साथ बी का मतलब क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो विक्टिम की, विक्टिम को पहचाना गया है एज का मतलब के रूप में, धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह के रूप में पहचाना गया है, यानी कि उसको पता किया गया है कि वो कौन है, धर्मेंद्र है। द ग्रूम्स कजिन, कौन है वो, ग्रूम का कजिन है, कजिन का मतलब समस्या चेहरा होता है, ठीक है ना। ग्रूम का यानी कि दूल्हा, ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, उसका चचेरा है। हु वॉज अ क्लास टेंथ स्टूडेंट, जो कौन है क्लास टेंथ का स्टूडेंट है। हेलिंग फ्रॉम, हेल का मतलब होता है बिलोंग से, यानी कि बिलोंग करता है, बिलोंग करता है कहाँ से, बिलोंग करता है फ्रॉम राजस्थान, कहाँ से बिलोंग करता है, राजस्थान से बिलोंग करता है, ठीक है ना, ये भी आप समझ जाइए। तो देखिए भाई आप याद रखें, बाकी सब ईजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। विक्टिम, विक्टिम कौन है यहाँ पर, विक्टिम जो है ना वो पीड़ित को कहते हैं। वॉस, वॉस के साथ में थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस करा रहा है। एज का मतलब होता है के रूप में, धर्मेंद्र के रूप में। एज सचिन, सचिन के रूप में। एज मोहन, मोहन के रूप में। एज अ डॉक्टर, डॉक्टर के रूप में। एज अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के रूप में। तो वो कौन है, धर्मेंद्र सिंह के रूप में उसकी पहचान की गई है। द ग्रूम्स, ग्रूम्स का मतलब दूल्हे से हो गया। कजिन का मतलब चचेरा हो गया। हु वॉज, हु का मतलब जो, देखिए हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है किसका, कजिन, कजिन का, ठीक है ना, कजिन का कौन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हु वॉज अ क्लास टेंथ स्टूडेंट, वो कौन है, कक्षा 10 का स्टूडेंट है। हेलिंग फ्रॉम, जो हेल करता है, बिलोंग करता है कहाँ से, राजस्थान से, ठीक है ना। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं आगे की तरफ। क्या लिखा है, द इंसिडेंट टुक प्लेस बिटवीन 3-4 AM एट श्री वृंदावन गार्डन सैड पैलेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब घटना। देखिए इंसिडेंट से पहले द लगाया है, क्यों, क्योंकि घटना के बारे में हमें पता है कैसी घटना हुई है, कौन सी घटना हुई है। द इंसिडेंट टुक प्लेस, टुक प्लेस का मतलब होता है होना, घटित होना। देखिए टुक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, टेक की सेकंड फॉर्म टुक है, तो यहाँ पर घटित होना, क्या हुआ, जो घटना थी वो घटित हुई, कब हुई है, बिटवीन का मतलब के बीच में, कितने के बीच में, 3 से लेकर 4 के बीच में घटना घटित हुई है। एट श्री वृंदावन गार्डन, कहाँ पर हुई है, श्री वृंदावन गार्डन में हुई है। सैड पुलिस, किसने कहा, पुलिस ने कहा, सैड का मतलब कहा, पुलिस बोले तो पुलिस, पुलिस ने कहा, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखिए भाई एक बात समझ लीजिए यहाँ से आप, देखिए एक चीज लिखी यहाँ पर टुक, टेक प्लेस, क्या लिखा है यहाँ पर, टेक प्लेस, फिर क्या है, टुक प्लेस, फिर क्या है, टेकन प्लेस। तो देखिए इसका मतलब होता है घटित होना, किसी चीज का घटित होना उसको हम बोलते हैं टेक प्लेस, टुक प्लेस, टेकन प्लेस, ठीक है ना, मैंने यहाँ लिख दिया घटित होना। तो देखिए इसके सेम मीनिंग क्या हो सकते हैं, हैपन्ड, हैपन्ड का मतलब होना होता है ना, तो हैपन कह सकते हैं, हैपन्ड और हैपन्ड। सेम एज एक और हम कह सकते हैं वर्ड, इसका मतलब होता है अकर, अकड़ कह सकते हैं, अकड़ कह सकते हैं, ठीक है ना, सारे के मतलब सेम होते हैं घटना, ठीक है ना। हमने कहा द मैरिज विल टेक प्लेस, ठीक है ना, एट 9:30, आपने ऐसे बोल दिया द मैरिज विल टेक प्लेस एट 9:30, जो शादी समारोह है ना वो क्या होगा, मतलब होगा, कब होगा, 9:30 पर होगा, ऐसे कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसे करके यूज कर सकते हैं, हैपन का यूज भी कर सकते हैं, अकड़ का यूज भी कर सकते हैं, सेम एज होते हैं, ठीक है ना। ये वो आगे लिखा है, व्हाइल द विक्टिम्स फैमिली एक्यूज द सस्पेक्ट ऑफ किलिंग धर्मेंद्र, पुलिस सैड इट कुड हैव बीन अ केस ऑफ मिसहैंडलिंग अ लोडेड गन, ठीक है, यहाँ तक फुल स्टॉप है, यहाँ तक पहले पढ़ लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ लिखा है व्हाइल, व्हाइल का मतलब जबकि, द विक्टिम्स फैमिली, जो जो पीड़ित परिवार है, विक्टिम फैमिली है, पीड़ित परिवार है, एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, वो क्या कर रहे हैं, आरोप लगा, उन्होंने आरोप लगाया है, द सस्पेक्ट, शक्का, किस चीज के शक्का, ऑफ किलिंग, जान से मारने का शक्का आरोप लगाया, किसको, धर्मेंद्र को। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, इट कुड हैव बीन अ केस ऑफ मिसहैंडलिंग, पुलिस ऐसा कह रही है कि इट कुड हैव बीन, हो सकता है ये रहा हो, हो सकता है ये रहा हो, अ केस ऑफ मिसहैंडलिंग, किसका, मिसहैंडलिंग का, मिसहैंडलिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर मिसहैंडलिंग से मतलब ये हो गया कि यहाँ पर धोखे से ऐसा हुआ हो, ठीक है, मिसहैंडलिंग। देखिए हैंडल का मतलब होता है थामना, ठीक है ना, किस चीज को मतलब हैंडल करना, मिस का मतलब उसका उल्टा ले लो, यानी कि धोखे से ऐसा हुआ है, मतलब पुलिस कहना चाह रही है कि धोखे से मतलब गोली चली है, ऐसा कहना चाह रही है, ठीक है ना। अलोडेड गन, जो कौन थी, अलोडेड गन थी, इसको पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, पहले एक बार ध्यान समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखें एक बार समझते हैं, द वाइल द विक्टिम्स फैमिली, जो विक्टिम परिवार है यानी कि पीड़ित परिवार है, देखिए अपोस्ट्रोफी एस है, अक्यूज्ड, उसने आरोप लगाया, अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, द सस्पेक्ट ऑफ किलिंग, किलिंग का मतलब जान से मारने का, धर्मेंद्र को, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, इट कुड हैव बीन अ केस ऑफ मिसहैंडलिंग अ लोडेड गन, ये जो केस है ना वो मिसहैंडलिंग का हो सकता है, ये मतलब हो गया, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तो भाई यहां पर देख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, देखिए व्हाइल है ना, व्हाइल,
वाइल के बाद में आप हमेशा कॉमा जरूर देखेंगे, ठीक है ना। एक सेंटेंस यहाँ तक क्लियर करा होगा, उसके बाद में यहाँ से शुरुआत की गई होगी। तो एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर वाइल का इतना सेंटेंस जो होगा ना वो कुछ और बताएगा, लेकिन इतनी जो बात है, देखिए ये इतना वाइल के बाद में सेंटेंस बताएगा वो पॉजिटिव बात बताएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव। और कॉमे के बाद जो बात मिलेगी ना वो विरोधाभास बात मिलेगी, मतलब बिल्कुल हट के बात मिलेगी, मतलब बोले तो खिलाफ, इस बारी बात के खिलाफ बात यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, ये बात याद रखना। कंट्रोवर्सी यहाँ पर मामला होगा, ठीक है, वाइल के बाद समझ लेना आप इसको। देखिए क्या लिखा है, कुड हैव बीन, कुड हैव बीन का मतलब होता हो सकता था, ऐसा हो सकता था। देखिए पास्ट की बात करते हैं, कुड शो करता है पास्ट को, तो भाई पास्ट में ऐसा हो सकता था, इस बारे में बात करते हैं। जैसे हमने कहा शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर, शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर, हो सकता है वो डॉक्टर होती, अभी नहीं है फिलहाल लेकिन होती, हो सकती थी वो डॉक्टर, हो सकती थी, ये मतलब हो गया। हमने कहा यू कुड हैव बीन अ क्रिकेटर, आप एक क्रिकेटर हो सकते थे, मौजूद में नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं कि आप हो सकते थे। तो ऐसी कंडीशन को शो करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, कुड हैव बीन का यूज़ करना है। तो वही चीज़ यहाँ पर शो की गई है, उन्होंने कहा है, क्या कहा है पुलिस वालों ने, कहा है कि इट कुड हैव बीन अ केस ऑफ मिसहैंडलिंग, हो सकता था ये केस जो हुआ हो वो किसका हो, मिसहैंडलिंग का हुआ हो, मतलब धोखेधड़ी से हो गया हो, ठीक है ना, जो लोडेड से हुई है, ठीक है। तो इतना इतनी समझ में आ रही है आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, द गन इज ऑन्ड बाय अ रिटायर्ड आर्मी मैन फ्रॉम हाथरस हु हैड रिपोर्टेडली गिवन इट टू द एक्यूज्ड विवेक 19, ठीक है ना, पर इतना पढ़ लेते हैं। द गन, गन का मतलब बंदूक से है, इस मतलब देखिए इसके साथ में क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है ऑन, ठीक है ना, तो बंदूक पर अधिकार है, यहां पर ऑन का मतलब क्या है, अधिकार है, बाय अ रिटायर्ड आर्मी मैन, किसका, एक कोई रिटायर्ड आर्मी मैन है उसका अधिकार है, मतलब ये हुआ कि बंदूक जो है ना वो किसकी है, वो किसकी है, एक आर्मी मैन की है, फ्रॉम रातरस, हाथरस, जो कहाँ के हैं, हाथरस के हैं, फ्रॉम हाथरस, जो हाथरस के हैं। मैं कहूँ यहाँ से कि द बुक इज ऑन्ड बाय मी, तो बुक जो है, किताब जो है वो मेरी है, तो ऐसे करके यूज करते हैं इसका, ठीक है ना। हु हैड रिपोर्टेडली गिवन, हु हैड रिपोर्टेडली, ठीक है ना, हु मतलब जो, हु मतलब जिन्होंने, हैड रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली का मतलब हो गया यहाँ पर कथित तौर पर, मतलब ऐसा सुना गया है, ऐसा हमने सुना है, मतलब न्यूज़पेपर वाले ये कहना चाहते हैं कि हमने ऐसा सुना है कि जो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने दे दी, हैड गिवन का मतलब दे दी थी, इट मतलब मतलब बंदूक को, टू एक्यूज किसको, जो अपराधी है ना उसको दे, एक्यूज का मतलब क्या है, पर अपराधी, अपराधी को दे दी। देखिए एक्यूज से पहले द लगा है तो हमें पता है एक्यूज कौन है, किसने कत्ल किया है, कौन है वो, विवेक है, कौन, 19 साल के, ठीक है ना। आफ्टर ही इंसिस्ट, कब दी थी, आफ्टर का मतलब के बाद, ही इंसिस्टेड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, जिद की थी, ठीक है ना। ऑन सिंग, सिंग का मतलब चेक करने की, सिंग का मतलब यहाँ पे क्या, चेक करने की, मतलब उन्होंने जिद की चेक करने की। इट मतलब इसको, क्लोजली बहुत करीब से, सैड पुलिस, पुलिस ने ऐसा कहा, ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, आफ्टर टेकिंग द लोडेड गन, आफ्टर का मतलब के बाद, टेकिंग, आफ्टर टेकिंग का मतलब लेने के बाद, द लोडेड गन किसको, लोडेड गन लेने के बाद, विवेक पुल द ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है घोड़ा, पुल का मतलब खींचना, तो पुल द ट्रिगर का मतलब होता है घोड़ा खींचना, जो बंदूक में घोड़ा होता है ना उसको खींचना कहते हैं। तो विवेक ने क्या खींच दिया, घोड़ा खींच दिया, एंड अ बुलेट, और एक बुलेट थी ना, हिट, उसने क्या कर दिया, हिट कर दिया, हिट का मतलब चोट पहुंचा दी, गोली मार दी धर्मेंद्र, किसको, धर्मेंद्र को, इन द चेस्ट, किस में, सीने में, ठीक है, ये मतलब हो गया इसका। तो देखिए भाई यहाँ पर सी, सी का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समझ लीजिए, सी का मतलब चेक करने से है, सी का मतलब क्या होता है, चेक करने से होता है। यहाँ लिखा है पुल द ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है घोड़ा, पुल का मतलब खींचना, तो घोड़े खींचने को क्या बोलते हैं, पुल करते हैं। देखिए बंदूक जो ये होता है ना, हम लोग ऐसे करके मारते हैं, मतलब ऐसे करके यूज करते हैं कि बंदूक का घोड़ा दबा लेते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, पुल द ट्रिगर कहते हैं, याद रखें आप, ठीक है। बॉस रश्ड टू द हॉस्पिटल बट ही सकम्ड, सकम्ड का मतलब होता है, सकम का मतलब होता है झुक जाना, ठीक है ना, सरेंडर कर देना, ईल्ड कर देना, गिव इन कर देना, गिव वे कर देना, ठीक है, अपने आप को सरेंडर कर देना, मतलब ये हो गया कि उसने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, झुका दिया, टू इंजरीज, किसके सामने, इंजरीज के सामने, जो उसको घाव पहुंचे थे उसके सामने झुका दिया, यानी कि वो खत्म हो गया, ठीक है। सकम का मतलब आप ले लीजिए कि वो खत्म हो गया, ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना, तो वो खत्म हो गया किसकी वजह से, इंजरीज की वजह से, जो उसको घाव हो गया उसकी वजह से वो खत्म हो गया, ऑन द वे, कहां पर, रास्ते में खत्म हो गया। तो एक चीज समझ लीजिए आप यहां से, देखिए भाई यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर आप लोग एक बहुत छोटी सी बात समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर सकम, सकम का मतलब होता है गिविन, ठीक है ना, सकम का मतलब होता है गिविन, सकम का मतलब होता है ईल्ड, गिव वे, सरेंडर, अपने आप को झुका देना, आप रास्ता दिखा देना, रास्ता दे देना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, सकम कहलाता है, ठीक है। एक बात याद रखना, सकम के साथ में हमेशा टू लगाते हैं, ठीक है, किस चीज से,
सकम के साथ में हमेशा क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, देखो एक बार समझ लीजिए आप ध्यान से। सकम का मतलब आप डैड से ले सकते हैं कि डैड के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए शी डैड, वो खत्म हो गई टू किससे, कोविड 19, किससे खत्म हो गई, कोविड 19 से। तो सकम का मतलब होता है जान से मरना। अच्छा किस चीज से, मतलब किस चीज से मरा इंसान, तो उससे पहले हम टू का यूज करते हैं। तो ये भी याद, सकम अपने जाके क्या रहता है, टू रहता है, जिस चीज से इंसान मरा हो। तो आपने कह रहा है शी सकम डू, खत्म हो गई टू कोविड 19, किसके सामने, कोविड 19 के सामने, वह झुक गई, उसने सरेंडर कर दिया, ये मतलब खत्म हो गई। तो सकम के साथ में टू लगाते हैं जिस चीज से इंसान मरता है। यहाँ लिखा है बट ही सकम टू इंजरीज, इंजरीज का मतलब घाव, घाव से वो क्या हो गया, खत्म हो गया, सरेंडर कर दिया उसने ऑन द वे रास्ते में। अकॉर्डिंग टू द पुलिस 3 bullets वर फायर्ड एंड द थर्ड हिट द बॉय। क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार 3 bullets, जो 3 गोलियां थी, वर फायर्ड, 3 गोलियां चलाई गई। वर फायर का मतलब होता है चलाना, फायर का मतलब चलाने से लगा लीजिए, फायरिंग करने से लगा लीजिए, पैसिव वॉइस है, चलाई गई। एंड द थर्ड, और जो तीसरी जो थी हिट, उसने क्या करा, शूट कर दिया, मार दिया, किसको मार दिया, द बॉय, लड़के को जान से मार दिया, ये मतलब हो गया। द विक्टिम्स एल्डर ब्रदर, जो विक्टिम के, द विक्टिम्स एल्डर ब्रदर अनिल कुमार सैड डैट धर्मेंद्र केम टू आगरा ऑन June 28 टू अटेंड द वेडिंग, द वेडिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द विक्टिम्स एल्डर ब्रदर, जो पीड़ित के बड़े भाई है ना, बड़े भाई अनिल कुमार, उनका नेम क्या है, अनिल कुमार है सैड, उन्होंने कहा दैट कि धर्मेंद्र केम, धर्मेंद्र आया टू आगरा, ठीक है ना, आगरा को आया ऑन June 28, कब आया, June 28 को आया। तो आप देख लीजिए, देखिए जून से पहले क्या लिखा है, ऑन लिखा है, आप याद रखें, पहले ऑन है, फिर नेम ऑफ मंथ है, उसके बाद में क्या है, डेट है, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखें। पहले आपको क्या लगाना, ऑन 15 अगस्त कहिए, ऐसे यूज करना है आपको, टू अटेंड द वेडिंग, क्या करने, वेडिंग को अटेंड करने के लिए। देखिए क्या लिखा है, ही केम अलोन हेयर एंड ऑन थर्सडे मॉर्निंग वी वर इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डेथ ही सैड एडिंग दैट समवन हैड किल्ड हिम डेलिबरेटली। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है ही केम, वो आया अलोन, अकेला, हेयर मतलब यहां पर, एंड ऑन थर्सडे, देखिए थर्सडे आया, उससे पहले ऑन लगा दिया गया, आप खुद देख लीजिए, थर्सडे मॉर्निंग का मतलब हो गया क्या, बृहस्पतिवार की सुबह को, ठीक है, सुबह में, सुबह को कह लिए, ही वी वर इन्फॉर्म, हमें क्या किया गया, इन्फॉर्म किया गया अबाउट हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बारे में, ही सैड, उसने कहा, एडिंग मिलाते हुए दैट समवन हैड किल्ड, किसी ने मार दिया है, हिम मतलब उसे, डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर, देखिए फिर से आया, डेलिबरेटली कह दीजिए, इंटेंशनली कह दीजिए, ठीक है ना, उसको जानबूझकर मार दिया गया है। ये चीज यहाँ पर कुछ चीज ग्रामर के समझ लेते हैं। तो ग्रामर में क्या है, ही लिखा है, उसके बाद कौन सी फॉर्म है, बी थर्ड है, तो ही केम से क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये एक्टिव वॉइस है, और किसका, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है, वी वर इन्फॉर्म्ड, वी वर इन्फॉर्म्ड, देखिए वर के साथ में क्या मिला, थर्ड फॉर्म मिली, ठीक है ना, इन्फॉर्म्ड, तो हमें सूचित किया गया, वी का मतलब हमें है, यहाँ पर पैसिव वॉइस, मैंने कहा वॉज वर के साथ में थर्ड फॉर्म का होना, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस हो गया, तो हमें सूचित किया गया, अबाउट का मतलब के बारे में, किसके बारे में, हिज डेथ, उसकी डेथ के बारे में, ही सैड, बाकी सब कुछ वही है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, आगे लिखा है अरविंद कुमार निरवाल स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ खानदौली पुलिस स्टेशन। ये कौन है, अरविंद कुमार है कोई, निर्बल स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, उसके क्या हैं, ऑफिसर हैं, किसके, खानदौली पुलिस स्टेशन के। टोल्ड, उन्होंने बताया, टोल्ड का मतलब क्या है, बताया, टॉय, टॉय का मतलब क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया, टी मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, ठीक है, दैट की एन एफ आई आर, ठीक है ना, हैड बीन रजिस्टर्ड, उसको क्या कर लिया, एक एफ आई आर को, देखिए हैड के साथ में बीन मिला और उसके बाद में बी थर्ड मिला, तो आप समझ जाइए, हेड के साथ में बीन मिले फिर बी थर्ड मिले, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, वो क्या है, पैसिव वॉइस होता है। तो यहां पर क्या हुआ कि वो कह रहा है कि एन एफ आई आर हैड बीन रजिस्टर्ड, एक एफ आई आर रजिस्टर्ड कर ली गई है, दर्ज कर ली गई है अगेंस्ट विवेक, किसके खिलाफ, विवेक के खिलाफ, एंड ज्ञानेंद्र सिंह, ठीक है, कौन है वो, ज्ञानेंद्र सिंह के खिलाफ, अंडर आईपीएस सेक्शन, अंडर का मतलब के अधीन, आईपीएस सेक्शन का मतलब ये धारा है 302, ठीक है, उसके अधीन, जो कि किसको बेस करती है, मर्डर को करती है, एंड 34 acts डन बाय, कभी भी आपको हैज मिले, हैव मिले, हैड मिले, उसके बाद में क्या मिले, बीन मिले, उसके बाद बी थर्ड मिले, तो वो क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा, ठीक है ना, आप लोग याद रखें। तो ठीक है, ये है आज का सेशन, आप उसको जरूर से पढ़ें, बार बार पढ़ें, ठीक है, जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जितनी चीज़ मैंने आपको लिखवाई हैं आप सारे के सारे वर्ड्स नोट करा करें, ज़रूर से लिखा करें, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।